हे बॉयज़ गर्ल्स एंड किड्स, मैं आज से एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस, दैट इज़ DNA सीरीज़। मेरा मानना है कि अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको डेली बेसिस पे एक रेलिवेंट करंट टॉपिक उठा के उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना है। इसी सीरीज़ में आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो हिमाचल प्रदेश कि कैबिनेट ने एक्साइज पॉलिसी 2018-19 को का ऐलान किया है, उस टॉपिक को एनालाइज करना। ऐसे तो GST लागू हो चुका है देश में, 2017 में जुलाई से ये लागू है, लेकिन क्योंकि लीकर इसके एम्बिट से बाहर है तो लीकर के ऊपर पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट्स बना लेती हैं अपने जरूरत के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, और उसको लागू कर लेती हैं। 2018-19 की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें लीकर के सेल से गवर्नमेंट को 1552.88 करोड़ रुपया हासिल होगा, और पिछले साल मतलब 2017-18 के मुकाबले 271.33 करोड़ का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। टोटल ग्रोथ इस सेक्टर में 21.17% का रहेगा। ये जो पूरा सप्लाई चेन है लीकर का, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक थ्रू होलसेलर, इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया गया है। इससे पहले कि अगर मैं आपको बात बताऊं तो कांग्रेस के टाइम में 2016 में जुलाई के मंथ में एक HPBL हिमाचल प्रदेश बीवरेजेस लिमिटेड का गठन किया गया, या एक PSU थी और ये होलसेल का काम देखती थी। इसका काम था मैन्युफैक्चरर से लीकर उठाना और रिटेलर तक पहुंचाना। लेकिन इस PSU पे आरोप लगने शुरू हो गए कि ये फेवरेटिज्म कर रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाइसेंसेस इशू करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस टाइम दो तरह के लाइसेंसेस इशू किए जा रहे थे, L1D और L13D। ये दोनों लाइसेंसेस, L1D था आपकी इंडियन मेड फॉरेन लीकर के लिए, और जो L13D था ये था कंट्री लीकर के लिए। बीजेपी के उस समय के विधायकों ने FIR भी लॉन्च किया इस PSU के खिलाफ, और इसमें करप्शन के चार्जेस भी लगाए इसके खिलाफ। इसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2017 में गवर्नमेंट चेंज हो जाता है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी का गवर्नमेंट आता है, और ये जो पुराना सिस्टम था जिसमें HPBL काम कर रही थी एज ए होलसेलर, उसको स्क्रैप कर देता है, उसको हटा देता है, और जो पहले सिस्टम चला आ रहा था एप्लीकेशंस के थ्रू, टेंडर्स के थ्रू लाइसेंसेस बांटने का, वो रिवर्ट बैक कर देता है, उसको वापस लगा देता है। अभी जो सिस्टम काम कर रहेगा उसमें होलसेल का जो लाइसेंसेस है वो दो तरह के दिए जाएंगे, L1 दिया जाएगा इंडियन मेड फॉरेन लीकर के लिए, बियर के लिए, वाइन के लिए और सीडायर के लिए। दूसरी तरह का लाइसेंस दिया जाएगा L13, जो कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कंट्री लीकर का। तो जो होलसेल लाइसेंसेज हैं वो L1 और L13 दिए जाएंगे इंडियन मेड फॉरेन लीकर और कंट्री लीकर के लिए रिस्पेक्टिवली। रिटेलर्स की बात करते हैं, रिटेलर्स को कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है माफ़ कीजिएगा, इस नई एक्साइज पॉलिसी में जो उनको सबसे बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है सिक्योरिटी अमाउंट का। क्या होता था कि रिटेलर को 18% जो उसका टोटल कॉस्ट है, जितनी उसने लगा रखा है अपने बिजनेस में, वो एज ए सिक्योरिटी मनी रखना पड़ता था मॉर्टगेज के रूप में। अब इस अमाउंट को घटाकर 13% कर दिया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो रिटेलर है उसके पास एक्स्ट्रा कैपिटल बच जाएगी अपने बिजनेस में लगाने के लिए। इसके साथ ही जो एक अनलिफ्टेड मिनिमम ग्रांटेड कोटा था रिटेलर्स का, उसको उसकी लिमिट हटा दी गई है। क्या होता था कि रिटेलर्स को फिक्स कर दिया जाता था कि आप मिनिमम इतना कोटा तो उठाओगे ही लीकर का, लेकिन अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है। अपने बिजनेस को वो अपने हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से बड़ा या ज़्यादा, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। रिटेलर्स को भी जो लाइसेंस होंगे शॉप खोलने के, वो लॉटरी सिस्टम से ही दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और कदम लिए गए इस एक्साइज पॉलिसी में, जैसे होटल्स
और रेस्टोरेंट्स को माइक्रो ब्रेवरीज खोलने का लाइसेंसेस दिए जाएंगे। अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स अपने होममेड बीवरेजेस तैयार कर पाएंगे और इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। जो ईएनए है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है, जो कि एक रॉ मटेरियल है। ईएनए क्या होता है? ये एक कंसंट्रेटेड फॉर्म रहती है अल्कोहल की और ये बीवरेजेस में मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने घर में किसी तरह का बीवरेजेस तैयार किया और आप उसमें अल्कोहल मिलाना चाहते हैं, उसको अल्कोहलिक इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो आप ईएनए की कुछ मात्रा उसमें मिलाएं और ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल जैसे ईएनए, इस पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया है। इसका फ़ायदा डायरेक्टली ग्राहक को होगा, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है लीकर की वो कम हो जाएगी और आपको कम दाम में ये मिल जाएगा। लीकर की बॉटल्स पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस छापा जाएगा, ना कि मिनिमम रिटेल प्राइस। जितना प्राइस बॉटल्स पे रहेगा, उससे ज़्यादा प्राइस आपसे कोई भी रिटेलर वसूल नहीं कर सकेगा। इससे क्या होगा, एक हेल्दी और फेयर कंपटीशन रहेगा रिटेलर्स के बीच में और होलसेलर्स के बीच में। जो कंट्री लीकर का बॉटल है, उस पर हर एक बॉटल पे ₹1 वसूल किया जाएगा और ये पैसा एम्बुलेंस सर्विसेज में लगाया जाएगा। जो इंडियन मेड फॉरेन लीकर है, उस पर हर एक बॉटल पे ₹2 वसूल किया जाएगा और ये पैसा लोकल बॉडीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा। लोकल बॉडीज़ क्या होती है? आपकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। एक जो मुख्य बिंदु था इस कैबिनेट की मीटिंग का या इस एक्साइज पॉलिसी का, वो था वाइन इंडस्ट्री को बूस्ट देना। वाइन अगर आप अपने घर में बनाते हो तो आप अपनी वाइन को रिटेलर्स के पास या फिर किसी बार ओनर के पास लेके उसको बेच सकते हैं। इसके साथ ही हॉर्टिकल्चर और वाइन इंडस्ट्री का जो कम्बिनेशन है, उसको बूस्ट दिया गया है, क्योंकि जो वाइन है वो एक फ्रूट प्रोडक्ट से बनाया जाता है और फ्रूट प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर से आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर और वाइन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इसकी, इस पे जो लेवीज़ हैं उनको कम कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस को भी कम कर दिया गया है, ताकि इसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। सो अबव ऑल, वाइन इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा रहा है। अगर हम पूरे न्यूज़ को दोबारा से एनालाइज करें तो ड्राई स्टेट्स जैसे कि बिहार और गुजरात, जहां पे लीकर बैन है, हिमाचल प्रदेश में लीकर को प्रमोट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली वाइन को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हॉर्टिकल्चरल स्टेट है, एक टूरिस्ट स्टेट है और इसकी इकोनॉमी में लीकर काफ़ी अहम रोल निभाता है। तो गवर्नमेंट जो वाइन प्रोडक्शन है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, उसको प्रमोट कर रही है। सो ये था हमारा आज का डीएनए। एक नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।